जानते ही होंगे कि मैं कुर्ती ड्रेसेस पहनना कितनी ज़्यादा पसंद करती हूँ कि मैं कभी कभी डेली वेयर में भी ये पहनना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, ऑफिस में पहनना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक बेल्ट लगा लेती हूँ मैं, थोड़ा बहुत ज्वेलरी पहन लेती हूँ और मोजरीज पहन लेती हूँ एंड गुड टू गो। देन मुझे और कुछ चीज़ सोचने नहीं पड़ती है कि इसके साथ क्या पहले पहनूँ, इसके साथ कौन से पहले लेगिंग्स पहनूँ, कौन सा पहला दुपट्टा लूँ, ये सब सोचना नहीं पड़ता है। तो जो कुर्तीज़ है, जो कि अनारकली कुर्तीज़ है और ड्रेस के लिए ड्रेस की तरह काम करती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये सब कुर्तीज़ पहनती रहती हूँ और स्टाइलिंग वीडियोज़ अपलोड करती रहती हूँ मेरे जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर। तो अगर आप लोग ये सब देखना पसंद करते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में आप लोग एक बार चेक कर सकते हो और मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो ये तो हो गया इंस्टाग्राम की बात। तो मैं अभी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मैं पहले दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन सा वाला कलर और ऑप्शन है इन सब कुर्तीज़ में। तो मेरे पास जो पहला वाला कुर्तीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है ये वानी प्रिंट में, आप देख सकते हो ये वाला कुर्ती, जो कि मैंने पिछले ईयर में नवरात्रि के समय खरीदी थी। तो बहुत ही सुंदर है ये वाला कुर्तीज़, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि ऐसा वाला कुर्तीज़ मैंने और एक बार परचेस की थी, जो कि मैं अपने बहन को दे चुकी हूँ। तो ये वाला कुर्तीज़ देख सकते हो बहुत सुंदर है, क्योंकि इसके सामने ये शायद आपको मिरर वर्क लगेगा, बट ये मिरर वर्क नहीं है, ये पूरा स्टिचिंग वाला काम है, गोटा पत्ती का काम है पूरे चेस्ट एरिया में, और उसके बाद ये वाला पाइपिंग है। तो बहुत ही सुंदर है, आप देख ही सकते हो। और इसका जो स्लीव्स है ये भी बहुत सुंदर है, ऐसा कोई छोटू सा स्लीव्स भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये वाला जो साइज़ है स्लीव्स का बहुत ही अच्छा साइज़ है, और इसका घेरा भी बहुत ही सुंदर है, और ये सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है। और इसका जो प्रिंटिंग है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये वाला प्रिंटिंग। और इसके कलर जो है पिंक एंड ऑरेंज में है, तो लगभग हर किसी फंक्शन में ये चल जाता है, क्योंकि बहुत ही ब्राइट कलर में है। और पीछे भी ऐसा ही काम पूरे जो कि है पूरे ड्रेस में दिया हुआ है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और इसको मैं ऐसे करके एक बेल्ट लगा के टाइप करके पहनना पसंद करती हूँ। तो ये वाला जो पिछले वाला जो नवरात्रि था, तो मैं ये वाला ड्रेस पहन भी चुकी हूँ मुझे बहुत सारे कमेंट भी मिल चुका है। तो ये शायद मैंने किसी ऑनलाइन स्टोर में ही खरीदी थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये वाला कुर्ती। और मेरे पास जो सेकंड वाला कुर्ती है वो है ये वाला कुर्ती, ये भी मेरा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये कलर तो हम सभी लड़कियों का पसंदीदा कलर है, जो हॉट पिंक कलर में है। तो इस कुर्तीज़ का खासियत है यही है कि ये चेकर्ड कुर्ती है, आप देख सकते हो ये इस दोनों कुर्ती में आप देख सकते हो ये बांधनी प्रिंट वाला कुर्ती फ्लोरल काइंड ऑफ जो कि प्रिंटिंग है वो है, और इसमें आप देख सकते हो ये चेकर्ड पैटर्न का प्रिंटिंग है पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक, अगर मैं दिखा पाऊँ। और नीचे बॉर्डर में भी सुंदर सा फॉयल वर्क है, यहाँ पर फ्लोरल वर्क मिलता है। तो मेरा हाइट थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए ये मुझे थोड़ी सी ज़्यादा हाइट प्रोवाइड कर देता है। बॉडी एक टाइप का है और स्लीव्स दूसरे टाइप का है, तो मिक्सचर में मैच भी हो जाता है, जो कि डिज़ाइनर कुर्तीज़ में आजकल होती है। तो ये भी घेरेदार अनारकली कुर्ती है, और इसको भी मैं ड्रेस की तरह ही पहनना पसंद करती हूँ। तो ये जो दोनों वाला कुर्ती है ये ज़्यादा से ज़्यादा मैं ओकेजनली पहनना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही गॉर्जियस है। और इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कि है मेरा जो गोल्डन ज्वेलरी है तो उसी के साथ पेयरअप करके पहनना पसंद करती हूँ। और इसको तो मैं दुर्गा पूजा में भी पहन चुकी हूँ, तो देखते हैं इस साल की दुर्गा पूजा भगवान जाने क्या होगा, बट अगर होगा अच्छी तरह से तो इसको भी मैं सुबह के फंक्शन में कभी ना कभी तो पहन ही लूँगी, क्योंकि मुझे ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। और डेली वेयर में ये एक येलो कलर का है, ये भी फुल स्लीव्स है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कुर्ती जो मेरा जो होता है आप देख सकोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फुल स्लीव्स या फिर थ्री क्वार्टर स्लीव्स, यानी कि जो सेमी क्या बोलते हैं इसको थ्री क्वार्टर ही बोलते हैं थ्री क्वार्टर स्लीव्स, इसमें ही होंगे, क्योंकि
मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ। मैं स्लीवलेस पहनना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा कैरी नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं जो पहले मैं देखती हूँ कि कुर्तीज़ के स्लीव्स कैसे हैं, अगर ये इतना तक है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे पसंद नहीं है। तो ये वाला, ये येलो वाला कुर्ती सिंपल एक कुर्ती है, ये भी एक स्ट्रेट कट है, ये अनारकली नहीं है, ये स्ट्रेट कट कुर्ती है। तो इसको मैं डेली वेयर में पहनती हूँ, वाइट कलर के लेगिंग्स के साथ या फिर कभी कभी ब्लैक कलर के लेगिंग्स के साथ भी पहनती हूँ। और ये जब मैं पहनती हूँ इसके साथ मैं कुछ दुपट्टा ऐसे कैरी तो नहीं करती हूँ, पर अगर आप चाहो तो कैरी भी कर सकते हो। तो ये मेरा डेली वेयर में बहुत ही फेवरेट वाला कुर्ती है, इसीलिए मैं आज आप लोगों को दिखा रही हूँ। वैसे तो मैं ये वाला कुर्ती भी डेली वेयर में पहनती हूँ, कभी कभी ये वाला जैकेट डाल के जैसे कि आज मैं स्टाइल की हूँ ऐसे करके पहनती हूँ, या फिर कभी कभी इसको सिर्फ कुर्तीज़ को पहनती हूँ और एक दुपट्टा ले लेती हूँ, मिक्स एंड मैच दुपट्टा, और मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ। तो ये भी मेरे डेली वेयर के ही एक कुर्ती है। और एक मेरा जो हॉट एंड फेवरेट कुर्ती है वो है ये वाला कुर्ती, ये शायद मैं आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, मेरा जो चिकनकारी वाला कुर्तीज़ का कलेक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी उसके अंदर ये वाला कुर्तीज़ भी थी, तो शायद आप लोग ये देख चुके हो। अगर आप लोग वो वाला वीडियो देखना भूल चुके हो या फिर मिस कर चुके हो तो मैं उसका लिंक भी आई बटन में दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हो। तो ये वाला कुर्ती भी मुझे बहुत पसंद है। और एक मेरे पास जो है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा बहुत ही ज़्यादा, यानी कि एक ब्लैक कलर का कुर्तीज़ तो हम सभी के पास होता ही है, तो एक चिकनकारी ब्लैक भी है मेरे पास जो मुझे बहुत पसंद है। और एक पार्टी वेयर है जो कि है ब्लैक कलर के कुर्तीज़, मैं शायद आज वो यहाँ पर रखना भूल गई, मैं वीडियो में दे दूँगी, इसमें आप देख सकोगे कि कैसे लगते हैं ये वाला कुर्ती मुझे। उसके साथ एक प्लाजो भी मुझे रिसीव हुआ था जो कि प्लाजो नहीं है वो एक शरारा है, वो वाला कुर्ती भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, दिखने में बहुत ज़्यादा रॉयल है। तो वो किसी भी मैं तो कहूँगी किसी भी ओकेजन, क्या आपका अगर कोई छोटा मोटा सा मैरिज का या फंक्शन अगर होता है वो कुर्तीज़ आप पहन सकते हो, दुपट्टे के साथ बहुत ही सुंदर लगता है, तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके साथ और एक है जो कि पिंक कलर में है, उसके साथ भी एक शरारा सी रिसीव हुआ था, तो वो वाला कुर्ती एंड उसका जो शरारा था वो सेम पैटर्न का था, सेम कलर का था, तो उसके साथ भी मैं कोई और एक दुपट्टा लेके मिसकन में मैच करके पहनती हूँ, और वो भी बहुत ही सुंदर फिटेड लगता है मुझे। उसका जो टेलरिंग इफेक्ट है ना, जो स्टिचिंग है बहुत ही सुंदर है, कोई भी धागा उसमें नहीं निकला हुआ है, ये मुझे बहुत ही पसंद आता है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि अभी के दिनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा कुर्तीज़ परचेस करते हैं और पहन लेते हैं, क्योंकि अभी टेलर में जाओ फिर उन मास्टर जी को बोलो मास्टर जी ठीक से बनाएंगे या भी नहीं, मेरे साथ तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मास्टर जी मैं गई और बना दिया, 10 दिन 20 दिन पहले आओ जाओ करते रहते हैं, उसके बाद अच्छे से नहीं बनाता है तो मटेरियल भी ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन कुर्ती से परचेस कर लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही आसान भी होता है हमारे लिए और किफ़ायती भी होता है। और एक मेरा फेवरेट है जो कि ये वाला है, ये भी मैं आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो ये भी मेरा एक फेवरेट वाला कुर्ती है, क्योंकि वाइट तो सभी के वार्डरोब में होता है, होना चाहिए, क्योंकि कोई अगर जो कि ये वाला कुर्ती मैं ज़्यादा जब कोई पूजा के टाइम होता है तो मैं पहनती हूँ, और इसके साथ एक रेड कलर का बनारसी दुपट्टा लेती हूँ, बहुत ही सुंदर लगता है। मैं इस कहीं पर आपको पिक्चर भी दे दूँगी इसका, तो ये वाला कुर्ती भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसके साथ और थोड़ा बहुत कुर्तीज़ भी है, लाइक एक मरून कलर में है जो कि राउंड नेक में है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी मेरा फेवरेट है। ऐसे ऐसे करके मैं अगर बोलने बैठूँ तो ये वीडियो और खिंच जाएगा और बड़ा हो जाएगा। इस पर ही मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगी और ज़्यादा चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय।